दिल्ली सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच चल रही तकरार में एक नया मोड़ आया है। दरअसल हुआ ये है कि इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो दिल्ली के आईपी स्ट्रीट थाने में मौजूद हूँ, थाने के बाहर, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर दिल्ली सचिवालय है। अब आने का कारण क्या, वो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। हालांकि एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई है, लेकिन अगर हम देखें तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर हैं, उन्होंने जब 18 मई को शिकायत दी थी तो उसमें ये कहा गया है, दिल्ली के सर्विसेज मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भ्रष्टाचार और रैकेट, उगाही का रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें काम से हटा दिया था, यानी कि जो वो काम कर रहे थे उन चीज़ों से हटा दिया था। लेकिन 15 और 16 मई की दरमियानी रात तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास कुछ लोग सचिवालय स्थित उनका जो कमरा नंबर 403 का जो ऑफिस बना हुआ है वो, साथ में एक जो रिकॉर्ड रूम था वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, उन फाइलों से छेड़छाड़ करते हैं जो कि अति गोपनीय थी। गोपनीय थी क्योंकि उनमें कहना है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन में जो खर्च आया है उसकी जांच कर रहा था, साथ ही फीडबैक यूनिट मामला है उसकी जांच कर रहा था, दिल्ली जल बोर्ड की जांच कर रहा था, दिल्ली जल बोर्ड के जो तत्कालीन सीईओ थे उदित प्रकाश, उनके द्वारा अपने बंगले के लिए एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत के गिराने का मामला था उसकी जांच कर रहे थे, डीआईपी का मामला, ऐसी बहुत सारी जांचें थीं जिनकी गोपनीय फाइल रखी हुई थी। लेकिन 15 और 16 मई की दरमियानी रात को उन रूम्स को खोला गया और वहां पर फाइलों के साथ में छेड़छाड़ की गई, इस बात को लेकर शिकायत की थी। अब उसी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल इसके थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था संविधान पीठ ने, और कहा था कि दिल्ली के अंदर जो सर्विसेज विभाग है यानी कि जो अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसका जो हक है फैसला है लेने का वो चुनी हुई सरकार के पक्ष में जाता है। और उसके बाद 13 मई को सर्विसेज जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि उनको एक शिकायत मिली है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर एक रैकेट चला रहे हैं, लोगों से उगाही कर रहे हैं, और उन शिकायतों की जांच तक वो जो भी उनको काम मिले हुए हैं उनसे उनको हटाया जाता है, और जो एडीज हैं यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो उस कामकाज को देखेंगे। लेकिन इसी बीच जो है यहाँ पर राजशेखर की तरफ से एक पत्र जो है, शिकायत पत्र, वो दिल्ली पुलिस को दिया जाता है, डीसीपी को, साथ ही एलजी दफ्तर में, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में, गृहमंत्री को पत्र लिखकर कहा जाता है कि अहम फाइलों के साथ में छेड़छाड़ की गई है, ये आरोप लगा, एफआईआर हुई। अब जो दिल्ली के सर्विसेज मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से भी इसमें जवाब आया, उन्होंने कहा है एक दरअसल एक नोट का हिस्सा उन्होंने जारी किया, साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि आपने एफआईआर कराई है लेकिन यहाँ पर जो सुधीर कुमार हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उन्होंने एक पत्र लिखा था चीफ सेक्रेटरी को 16 मई को, उसमें कहा गया था कि जो अहम मामले हैं उनकी फाइल्स की शैडो फाइल आपको बता दें क्या होता है, शैडो फाइल दरअसल डुप्लीकेट फाइल होती है, और ऐसे क्योंकि जांच चल रही है तो उसमें जो जाँच एजेंसी है एजेंसी को भी मामले की फाइल देनी होती है, लेकिन उसकी एक कॉपी या उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है, तो शैडो फाइल्स जो हैं वो उनके आदेश पर बनाई गई थी। तो ऐसे में सवाल खड़ा किया सौरभ भारद्वाज ने कि जब सुधीर कुमार, जिनकी नियुक्ति खुद उपराज्यपाल ने की थी, उनके आदेश पर कहा भी गया है उनकी तरफ से 16 मई को इन फाइल्स को कॉपी किया गया था, शेडो उनकी फाइल्स बनाई गई थी, तो आखिर अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, ये एफ आई आर क्यों दर्ज की गई है, और इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अगर हम देखें तो राजशेखर जो शिकायत है उसके हिसाब से उनका जो पूरा ठीक रहा एक तरीके से इस पूरे मामले का, वो मंत्री पर फोड़ रहे हैं, यानी कि अगर जांच होती है तो इसमें दायरा मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज उन तक जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसमें एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात के नाम पर, जबकि उसका रिटर्न रिकॉर्ड है कि जो सुधीर कुमार हैं सर्विसेज सेक्रेटरी, उन्होंने ही शेडो फाइल बनाने का आदेश दिया था, उनके आदेश पर हुआ है, तो ऐसे में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत क्या थी, ये जो है सवाल उठाए हैं सौरभ भारद्वाज ने। अब इसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या दिल्ली पुलिस की उसमें जांच शुरू होती है
तो उसका दायरा कहाँ तक पहुँचता है, किन किन अधिकारी को शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ 11 मई का जो फैसला था उसके अगेंस्ट हुए हैं। केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेके आई और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग तमाम जो शक्तियाँ हैं वो LG के पास रहेंगी, यानी कि सीधे राष्ट्रपति को जाएंगी। हालांकि उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है, वो तमाम विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। कोशिश ये है कि कोर्ट में पहले चैलेंज किया जाए, लेकिन वैकेशन चल रही है, छुट्टी चल रही है, उसके बाद चैलेंज किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी ये जो अध्यादेश है वो बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में आता है, और चूँकि राज्यसभा के अंदर जो मौजूदा सत्ता दल है उसका बहुमत नहीं है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि वहाँ पर इस पूरे विपक्ष को लामबंद कर एकजुट कर वहाँ बिल को पास ना होने दिया जाए। तो तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं, गतिविधियाँ फिलहाल चल रही है। अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की खबरें आप जानना चाहते हैं, आपके काम की है, तो आप TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में बने रहिए। इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर रखा है तो इस जानकारी को दूसरे हाथ में साझा करिए। हर आम जानकारी जो अब तक लेके आए हूँ मजीद भाटी, और मेरे साथ पीछे जो वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं वो मस्तान पहुँचा रहे हैं। तो हमारे साथ फिलहाल लगातार बने रहिए, और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त।